हेलो डियर स्टूडेंट, वी हैव कंप्लीटेड नाउ प्रीवियस हेडिंग. विच हेडिंग? कौन सी हेडिंग थी हम लोगों की, याद करिए, है ना? कहाँ पर कब्जा किया था उन्होंने? मैसूर पर. कहाँ पर कब्जा किया था? मैसूर यानी कर्नाटक पर. ठीक है, अब वो कब्जा कहाँ करने जा रहे हैं? महाराष्ट्र पे, है ना? महाराष्ट्र, मुंबई. ठीक है, तो अब यहाँ पर कौन थी? मराठा. अच्छा, आप लोग याद एक चीज़ काम ये करिए, आप सब लोग क्लास सेवेंथ में जो हमने आपको मराठा पढ़ाया था, ठीक है, और मराठा पढ़ाया था और क्या पढ़ाया था, अवध पढ़ाया था, ठीक है, ये पंजाब पढ़ाया था, तो इन सबको आप एक बार अच्छे से रिवाइज कर लीजिएगा, अच्छे से पढ़ लीजिएगा. ठीक है, आपकी जो लास्ट जो चैप्टर था ना, हिस्ट्री का लेसन 10, बहुत ही इंपॉर्टेंट था, हमने आपको बताया था, और वो आपका रिलेट करेगा पूरा लेसन 8 से. इस वजह से उसको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैंने डिटेल से बहुत सारी चीज़ें बताई थी. ठीक है, यहाँ तो हमें चैप्टर के अकॉर्डिंग दिया हुआ है, इसलिए थोड़ा सा ब्रीफ ही दिया हुआ है. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट वार विद मराठा. ओके, मराठाओं के साथ में अब इनका युद्ध होता है. यहाँ पर कब्जा करने के बाद, कर्नाटक में यानी मैसूर में कब्जा करने के बाद, वो मराठा के जाते हैं. हालांकि मराठा ने क्या किया था, मराठा ने सबसे पहले उनकी हेल्प किया था. मराठा ने किनकी हेल्प किया था? हैदराबाद के निज़ाम हो गए, या यानी ये जो मराठा थे, इन्होंने वडियार ने तो हेल्प किया ही था, साथ ही साथ मराठों ने भी हेल्प किया था अंग्रेज़ों की. ठीक है ना, जब उनका मैसूर के साथ में युद्ध था, तो आप तो पता ही है अंग्रेज़ वैसे कभी युद्ध करते नहीं हैं, है ना? जब भी युद्ध करेंगे तो उनके साथ में कोई ना कोई अपने साथ सपोर्ट मिले के, है ना, जिनकी पुरानी दुश्मनी होती है, जिनका पुराना उनका आपस में एक कॉन्फ्लिक्ट चल रहा होता है जिनके बीच में, उन्हीं को मिला लेते हैं. तो नेक्स्ट में देखेंगे, फ्रॉम द लेट 18th सेंचुरी द कंपनी आल्सो साउट टू कर्ब इवेंचुअली डिस्ट्रॉय द मराठा पावर. यानी अब वो मराठा पावर को डिस्ट्रॉय करना चाहती थी. विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761. याद रखिए, पानीपत का मैंने आपको बताया था, पानीपत का थर्ड वॉर है, इसको लर्न कर लीजिएगा वहाँ से, जहाँ भी आपका नोट्स बना होगा. 1761 में पानीपत का थर्ड वॉर हुआ था. फर्स्ट वॉर कब हुआ था पानीपत का? 1526 में. सेकेंड कब हुआ था? 1556 में. और लास्ट देखिए कौन सा हो रहा है, 1761 में. ये आपको बताया गया था, आप इसको रिवाइज कर लीजिएगा. ठीक है, तो जब मराठा का युद्ध हुआ था, पानीपत वार हुआ था थर्ड वाला, तो इसके थ्रू हुआ क्या था कि मराठों की जो पूरी पावर थी वो पूरी तरह से क्या हो गई थी, फिनिश हो गई थी. आपको याद आया अहमद शाह अब्दाली के साथ में आक्रमण हुआ था, है ना? तो अहमद शाह अब्दाली ने बाहर से जो आया था अफगानिस्तान से, उसने पूरी पावर फिनिश कर दी थी दिल्ली की. तो एक मराठा कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ गए थे, तो इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहते थे अंग्रेज़. ठीक है, तो विद देयर डिफीट द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761 द मराठा ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वॉज सैटर्ड. है ना, मराठा चाहते थे कि हम भी दिल्ली शासन करें, वो उनका सपना चूर हो गया. देवर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट, उसके बाद वो कई राज्यों में बढ़ गए. देवर डिवाइडेड इंटू रूलिंग दिल्ली, सॉरी, देवर डिवाइडेड इंटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ बिलोंगिंग टू डायनेस्टीज सच एज सिंधिया. है ना, कैसे कैसे बैठे थे, मैंने बताया था ना आपको, सिंधिया बताया था, होलकर बताया था, है ना, इंदौर के होलकर, गायकवाड़, भोसले, नागपुर के भोसले, याद रखिए सब चीज़ें, ये आपको मैंने बताया था. ठीक है, दी चीफ वर हेल्ड टुगेदर इन ए कॉन्फेडरेसी. और इनके जो चीफ थे, देखिए मराठा पावर थी क्या थी, मराठा केवल पावर केवल महाराष्ट्र बस में नहीं थी. अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पे कि मराठा पावर कैसी थी, तो आप इसको कुछ इस तरह से समझिए कि जैसे ये महाराष्ट्र है, ठीक है, तो इस महाराष्ट्र में गुजरात तो पूरा एरिया था ही, ठीक है, साथ ही साथ मध्य प्रदेश का पूरा एरिया, इधर पूरा एरिया, यानी ये पूरा एरिया मराठों का था. ठीक है, और इसीलिए इसको फोर पार्ट में मोस्टली डिवाइड किया गया था. एक तरफ पार्ट में होलकर बना दिए गए थे, है ना, जब बालाजी बाजीराव आए थे, आपको याद होगा, बालाजी बाजीराव ने आते ही सत्ता पाते ही उन्होंने साहू जी के मेन जो लीडर थे साहू जी की तरफ से, वो बालाजी बाजीराव थे, इसीलिए इनको बाद में पेशवा बना दिया गया था. तो पेशवा यानी ये प्रधानमंत्री का पोस्ट था एक तरह से, राजा के बाद पेशवा ही था. और आपने देखा था कि धीरे धीरे छत्रपति का जो पोस्ट था वो फिनिश हो गया था, पेशवा ही सर्वेसर्वा हो गए थे. तो पेशवा जो बालाजी बाजीराव आए थे, तो उन्होंने फोर पार्ट कर दिए थे, फोर पार्ट, ठीक है. और इस तरह से उन्होंने कहा दिया था, एक पार्ट सिंधिया के लिए, होलकर के लिए, है ना, गायकवाड़ के लिए, और इस तरह से उन्होंने फोर पार्ट डिवाइड कर दिया था. तो वही इसमें पॉइंट में दिया हुआ है. ठीक है, तो दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ. और इनके जो चीफ थे अभी भी, है ना, बिलोंगिंग टू द डायनेस्टी, जैस सिंधिया, होलकर, गायकवाड़, दी चीफ वर हेल्ड टुगेदर, जो इनके चीफ थे, कॉन्फेडरेसी अंडर अ पेशवा. यानी पेशवा एक मेन सेंटर था और इससे जुड़े हुए ऐसे फोर पार्ट थे. ठीक है, मेन कंट्रोलर इनके पेशवा ही थे. देखिए, प्रिंसिपल ऑफ मिनिस्टर, प्रिंसिपल मिनिस्टर एक प्राइम मिनिस्टर या कह सकते हैं, एज अ रूलर था वहाँ का, एक मेन शासक पेशवा ही होता था.
हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री, उनके पास एक बहुत अच्छी मिलिट्री थी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड भी था उनका। बेस्ड क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड क्या था, पुणे। पूछा जाता है मराठों का एडमिनिस्ट्रेटिव हेड कहाँ था, तो पुणे था। याद रखिएगा, ये ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है इसके लिए कि पुणे था। महादजी सिंधिया, अब देखिए जो उनके सबसे लास्ट बचते हैं, हालांकि महादजी सिंधिया इतने इंपॉर्टेंट नहीं थे बट अब इनसे इनको युद्ध करना था इसलिए इतने इंपॉर्टेंट हो गया। तो महादजी सिंधिया हो गए, नाना फडणीस हो गए, है ना, वर टू फेमस मराठा सोल्जर्स। और आपको मराठा बहुत सारे सोल्जर्स मैंने बताए हैं कौन कौन से थे उसमें मुख्य रूलर्स में। तो स्टेट लेट इट्स सेंचुरी, ये उसमें मुख्य थे। अब देखिए नेक्स्ट पैराग्राफ में, द मराठा वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स, मराठों के साथ में अंग्रेजों का युद्ध हुआ जिसके द्वारा एक एक करके मराठों से पूरी सत्ता ले ली गई, है ना। इन द फर्स्ट वॉर, पहला वॉर कब हुआ था, याद रखिएगा मराठों के साथ में जो इनका युद्ध हुआ था, थ्री वॉर हुए थे और तीनों ही जो युद्ध हुए थे उसमें कोई ना कोई ट्रीटी के साथ में युद्ध को समाप्ति मिलती थी। ट्रीटी का मतलब अंग्रेजी जीतते थे हर जो मराठों और अंग्रेजों के बीच में युद्ध होता सब में अंग्रेज जीतते हैं और अंग्रेज क्या करते हैं कोई ना कोई ट्रीटी के साथ में बंद करते हैं। ट्रीटी क्या करते थे, वो ट्रीटी क्या करेंगे, पैसे रुपए थोड़ी ट्रीटी करते थे, वो एक टेरिटरी है ना कि ये वाला एरिया आप हमें दे दीजिए, ठीक है ना, और ये वाला तो हम ठीक है आप हम आप ये युद्ध को विराम देते हैं, फिर अगली बार युद्ध तो कर देते थे, कह देते अब ये अगला वाला एरिया हमें दे दीजिए। इस तरह से उनके धीरे धीरे सारे एरिया को कब्जे में ले रहे थे, ठीक है। तो देखते हैं यहाँ से, तो मराठा वर सबड्यूड इन द सीरीज ऑफ वॉर, धीरे धीरे पूरे सीरीज जो एक तरह क्रम से चला उसके थ्रू मराठा पूरी तरह से पावर चली गई। इन द फर्स्ट वॉर कब होता है, एंडेड इन 1782, याद रखिएगा फर्स्ट वॉर एंड कब हुआ था, 1782 में, विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई। इंपॉर्टेंट है, पहली ट्रीटी मराठा और अंग्रेजों के बीच में कौन सी हो रही है, सालबाई की। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में, बड़े बड़े एग्जामों में पूछा गया है कि मराठों और अंग्रेजों के बीच में जो पहला युद्ध हुआ था वो किस संधि के साथ, किस ट्रीटी के साथ में बंद हुआ था, सालबाई की संधि। सालबाई क्या था, सालबाई प्लेस था वहां पे, ठीक है ना, सालबाई कोई महिला नहीं है, सालबाई एक प्लेस है। देयर वाज नो क्लियर विक्टर, है ना, वहां पर कोई युद्ध का परिणाम निकला नहीं था, बस एक विक्ट्री ट्रीटी के साथ बंद हो गया था। सेकंड एंग्लो मराठा वार, देखो ये एंग्लो मराठा वार का मतलब है अंग्रेज और मराठा, ठीक है, कंफ्यूज नहीं होंगे। दूसरा जो मराठा वॉर हुआ था एंग्लो मराठा वार, वो 1803 और 1805 में हुआ था, वाज फॉट डिफरेंट फ्रंट्स, है ना, अलग अलग। रिजल्ट क्या हुआ था, रिजल्ट ब्रिटिश ग्रेनी उड़ीसा, इससे ब्रिटिश ने क्या जीत लिया था, उड़ीसा के बहुत सारे भाग को जीत लिया था, नॉर्थ और नॉर्थ में क्या जीता था, यमुना रिवर का भाग भी जीत लिया था, है ना, इंक्लूडिंग क्या, इंक्लूडिंग इसमें देखें क्या हो रहा है, इंक्लूडिंग आगरा भी, इंक्लूडिंग आगरा दिल्ली, आगरा दिल्ली भी इसमें इंक्लूड था। फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वार जब हुआ ऑफ द 1870 to 1819 में, है ना, तो ये लास्ट वार था, ये तो एक ना औपचारिकता थी, सेकेंड वार से ही सारी तस्वीर क्लियर हो गई थी। लास्ट वार ये पूछा जाता है, वैसे लास्ट वार कब हुआ था, 1817 to 1819, ठीक है, क्रश्ड, इसने पूरी मराठा पावर को फिनिश कर दिया। और इनके जो लास्ट पेशवा बचे थे ना, इनको सीधे आपको मैंने बताया था ना कहाँ भेजा गया था, वो वॉज द रिमूव्ड, इनको हटा दिया गया था एंड सेंड टू बिठूर, बिठूर भेज दिया गया था, कानपुर में बिठूर भेज दिया गया था। रिविजन हो रहा है कुछ, विद अ पेंशन, एक पेंशन के साथ भेज दिया गया, तो ठीक है आप वहाँ जाइए हम आपको पेंशन देते हैं। द कंपनी नाउ हैड ए कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ विंड, और कंपनी ने इस तरह से क्या किया, कंप्लीट कंट्रोल कर लिया, किस पे, उन क्षेत्रों पर साउथ का विंड। अब देखिए विंड कहाँ पे है, आपको सबको पता होगा विंड यहाँ पे है ना, डिल पे विंड, विंध्याचल सुना है आपने नाम, कि नहीं सुना है, विंध्याचल का पर्वत है ना, ये विंड यहाँ पर है ना, विंड, तो विंड के कहाँ पर, ये देखिए इस पर क्या दिया है, साउथ ऑफ द विंड, यानी जो विंड है इसका जो साउथ एरिया था पूरा, ये पूरा इनके कब्जे में आ गया था। नेक्स्ट है हेडिंग है द क्लेम टू पैरामाउंट एसी, भी क्या है उसको समझते हैं। देखिए पैरामाउंट एसी का मतलब होता है सुप्रीम, पैरामाउंट मतलब क्या होता है, सुप्रीम, यानी अपने आप को अंग्रेजों को, अंग्रेज क्या कर रहे थे, इसके थ्रू भी कुछ राज हड़प लिए, क्या बताते थे कि हम देखिए हमारा जो शासन है वो सुप्रीम है, यानी अंग्रेज जो इंडियन रूलर हैं वो लोअर हैं, इंडियन रूलर्स का जो कल्चर है वो सही नहीं है, ठीक है ना, इनको शासन करना नहीं, रूलिंग करना नहीं आता है, हम लोग इनसे सुपीरियर हैं, सुप्रीम है, तो क्यों ना, अगर हम लोग सुपीरियर हैं, सुप्रीम है, तो क्यों ना आपका जो क्षेत्र है वो हमें दे दिया जाए, है ना, और हम ही इसको अच्छे से संभालें, ना आप जनता को संभाल पा रहे हैं, ना आप किसी प्रकार से कोई कार्य कर पा रहे हैं, तो हम बी आर पैरामाउंट, अंग्रेज कहते थे कि बी आर पैरामाउंट, हम पैरामाउंट हैं यानी सुप्रीम है, तो अगर हम सुप्रीम है तो आप अपने कुछ क्षेत्र दे दीजिए। तो मतलब ऐसे ही बेवकूफ़ बना बना के वो लोग कुछ जो है चीज़ें ले लेते थे। अब बेवकूफ़ क्या बनाना है, जो कहते थे उनको मानना पड़ता था, क्योंकि आप देख रहे हैं कि वो कहाँ कहाँ कब्जा हो गया उनका, बंगाल में, कर्नाटक में, इधर महाराष्ट्र में, यानी बड़ी बड़ी पावर, बंगाल की सबसे बड़ी पावर को फिनिश कर दिया इन्होंने, इधर मैसूर में सबसे बड़ी पावर को फिनिश कर दिया, यानी भारत की सबसे, यानी दृढ़ थे, मजबूत किले थे भारत के, ठीक है ना, मराठों को हरा दिया, है ना, सबसे जो खतरनाक थे, तो इस तरह से उनकी अब जो पावर थी इतनी बढ़ गई थी कि इसलिए वो कह रहे थे कि वी आर पैरामाउंट, ठीक है, खुशी के मारे बोल रहे थे। और इस पैरामाउंट जो स्ट्रेटजी है इसको लाने वाले कौन थे, लॉर्ड हेस्टिंग्स से, अभी देखते हैं इसको पढ़ते हैं।
इट्स क्लियर फ्रॉम एवर दैट अर्ली 19th सेंचुरी द कंपनी परस्यूडेड द एग्रेसिव पॉलिसी ऑफ टेरिटरी एक्सपेंशन, यानी कंपनी ने यहाँ पर 19th सेंचुरी के आसपास बहुत ही एग्रेसिव पॉलिसी बनाई, यानी अंडर लॉर्ड हेस्टिंग्स. कौन थे? याद रखिएगा, लॉर्ड हेस्टिंग्स थे. पैरामाउंटेसी से रिलेटेड करते हैं, पूछा जाता है पैरामाउंटेसी कौन से गवर्नर लेकर आए थे, तो लॉर्ड हेस्टिंग्स. इनका शासनकाल देखिए कब से कब तक है, 1813 to 1823, यानी 10 years. अ न्यू पॉलिसी ऑफ पैरामाउंटेसी, एक नई पॉलिसी आती है पैरामाउंटेसी की, वॉज इनिशिएटेड, उसको स्टार्ट किया गया. नाउ द कंपनी केलमेंट कंपनी इसमें दावा करती थी दैट इट्स अथॉरिटी वॉज पैरामाउंट और सुप्रीम, हैंड्स इट्स पावर वॉज ग्रेटर दैन द इंडियन स्टेट्स, यानी हमारी जो पावर इंडियन स्टेट से अधिक है. इन ऑर्डर टू प्रोटेक्ट इट्स इंटरेस्ट, और इसलिए हमें अपने हाथों हितों की सुरक्षा करने के लिए, इट वॉज जस्टिफाइड इन एनेक्सिंग और थ्रेटनिंग टू एनेक्स ऑफ एनी किंगडम, यानी हमें क्या करना चाहिए, किसी भी राज्य को क्या कर लेना चाहिए, ले लेना चाहिए, यही न्याय है, हमें हड़प लेना चाहिए. दिस व्यू कंटिन्यू टू गाइड लेटर ब्रिटिश पॉलिसीज एज वेल. दिस प्रोसेस हाउएवर डिड नॉट गो अनचैलेंज्ड. फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल देखते हैं यहाँ से, इससे समझ में आएगा आपको. और है ना, वेन द ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स, ब्रिटिश क्या करते थे, हड़पना. एनेक्स देखो, मैंने बताया ना एनेक्स का मतलब क्या होता है, हड़पना. तो ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स अ स्मॉल स्टेट ऑफ कित्तूर, कित्तूर का एक छोटा सा जो प्लेस है उसको, इसी कि हम पैरामाउंट हैं, हम सुप्रीम हैं, हड़प लिया उन्होंने, ठीक है, जो आज के डेट में क्या कहा जाता है, कर्नाटक. तो इससे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जीके का भी बन गया ना, कर्नाटक का पुराना नाम क्या है, कित्तूर था, कित्तूर से कर्नाटक बन गया. तो इन्होंने कित्तूर को, आज के डेट में कर्नाटक बोलते हैं, पहले कित्तूर था, तो इन्होंने कित्तूर को हड़प लिया. वहाँ पे एक रानी थी, कौन सी, रानी चन्नम्मा. रानी चन्नम्मा टुक टू आर्म्स, रानी ने इनसे युद्ध लड़ा, लेट एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंस, उनका विरोध किया, है ना, आंदोलन किया. सी वॉज अरेस्टेड, बाद में उनको पकड़ लिया गया, रानी चन्नम्मा को 1824 में. हालांकि एक महिला होकर देखिए कितना क्रूरता के साथ लड़ती है ना, उनसे निर्दयता के साथ, है ना, बिल्कुल कि मतलब हम मिलेंगे तो मार डालेंगे, ऐसा इतनी गुस्से में, है ना, अपनी क्षेत्र को बचाने के लिए. एंड डाइड इन अ प्रिजन, और उनको बाद में जेल, मर गई जेल में ही, है ना, 1829 में ही उनकी डेथ हो जाती है. बट उनकी रैना, ठीक है, हाँ रैना एक पुअर चौकीदार था ऑफ संगोली इन कित्तूर. अब रानी चन्नम्मा तो ठीक है, वो तो गई, लेकिन उनके बाद में उनकी एक पता है ना सर्वेंट थी, एक तरह से वो भी चौकीदार थी, है ना, ऑफ संगोली इन कित्तूर, कित्तूर का एक संगोली प्लेस है, वहाँ की वो चौकीदार थी. कैरी डॉन, लेकिन उन्होंने क्या, जैसे उन्होंने अंग्रेज़ों को लगा कि ठीक है, अब रानी चन्नम्मा को हमने तो हरा दिया है, ठीक है, अब कित्तूर हमारा हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, कुछ इतना आसानी से नहीं मिला उनको. उनको रैना से भी युद्ध करना पड़ा, क्योंकि रैना इनका लगातार विरोध कर रही थी. विद पॉपुलर सपोर्ट ही डिस्ट्रॉय ब्रिटिश कैंप्स एंड रिकॉर्ड्स, उन्होंने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप को भी डिस्ट्रॉय कर दिया. देखिए कितनी बहादुर है रहना, है ना, ही वॉज कॉट और बाद में पकड़े गए एंड हैंग्ड बाय द ब्रिटिश, और ब्रिटिश द्वारा उनको क्या कर दिया, फांसी दी गई 1830 में. यू विल रीड मोर अबाउट द सेवरल केसेस ऑफ रेजिस्टेंस लेटर इन द बुक, आप देखेंगे किस तरह से अंग्रेजों का विरोध किया जाता है और अंग्रेज किस तरह से हर रेजिस्टेंस को क्या कर देते हैं, अपोज को दबा देते हैं, है ना, शांत कर देते हैं. इन द लेट 1830 ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम्स वरीड अबाउट द रसिया, 1830 की बात है, जिस समय कंपनी यानी अंग्रेज बहुत चिंतित हो जाते हैं किससे, रसिया से. अब देखिए रसिया से क्यों चिंतित हो रहे हैं, मैं वर्ल्ड का मैप देखिए, जहाँ मैंने आपको बताया था ब्रिटेन इधर था, उसके जस्ट आगे रसिया है, ठीक है. रसिया से क्यों चिंतित है, क्योंकि रसिया क्या कर रहा था, रसिया धीरे धीरे अपना क्षेत्र बढ़ा रहा था, रसिया धीरे धीरे अपना क्षेत्र क्या कर रहा था, बढ़ा रहा था, और धीरे धीरे एशिया की तरफ आ रहा था. तो इनको ये डर लग रहा था कि जो हम अभी इंडिया में आकर, यानी एशिया में ही इंडिया है ना, है ना, तो इंडिया में आकर जो भी हमने यहाँ पर इतनी मेहनत से सब कुछ हासिल किया है, रसिया अगर, रसिया ज़्यादा पावरफुल इनको लग रहा था, कहीं अगर रसिया आया तो ये जितना भी क्षेत्र है उसको जीत सकता है. तो वो ये चाहते थे, अंग्रेज ये चाहते थे कि हमारा जो इंडिया पे जो हमने, हमारी जो पावर है, यानी हमने ये जो, ये जो हमारा कंट्री है, तो ये रसिया इधर से आ रहा है, ठीक है, तो हम क्या करें, हम धीरे धीरे इसकी पूरी तरह से, इनके जो चारों तरफ के क्षेत्र हैं वो हमारे अंडर में हो जाएं. यानी कुछ क्षेत्र तो इधर के कर ही लिए थे, इधर के क्षेत्र नहीं थे, यानी पंजाब है ना, राजस्थान है, इधर जम्मू कश्मीर है, ये सारे इलाके जो है अभी इनकी तरफ, इनका पावर नहीं था ज़्यादा, ठीक है, अभी इनका कब्जा नहीं हुआ था, क्योंकि इधर सिख थे, है ना, पंजाब में आपने पढ़ा होगा. तो वो ये चाह रहे थे कि हम लोग इनको भी हरा के, है ना, सिंध को भी हरा के, इसको यहाँ के छोटे छोटे जो राजा हैं इनको हरा करके, अंग्रेज चाहते थे कि हम यहाँ पूरा कब्जा कर लें, जिससे बाद में अगर रसिया कभी आएगा तो उसको हम यहाँ अंदर नहीं आने देंगे, ठीक है. इस वजह से वो ये चिंतित थे, ठीक है. तो इस वीडियो में वही है, इस पैराग्राफ में, इन द लेट 18th द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकम वरीड अबाउट रसिया, रसिया से चिंतित थी. अच्छा, रसिया से चिंतित, जानते हैं कि बहुत ही स्ट्रांग है, ठीक है. इट इमेजिन दैट रसिया माइट एक्सपैंड अक्रॉस द एशिया, उनको चिंता लग रही थी कि रसिया कहीं बहुत अपना विस्तार, एक्सपैंड मतलब अपना विस्तार न बढ़ा ले, अक्रॉस द एशिया, एशिया के इधर ना आ जाए, इंटर इंडिया और भारत में प्रवेश न कर जाए. फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट, किस इलाके में, मैंने बताया ना नॉर्थ ईस्ट, यानी ये वाला इलाका, ठीक है, राजस्थान, पंजाब,
है ना, ये वाला इलाका हिमाचल वाला इलाका। तो इंडिया फ्रॉम द नॉर्थ वेस्ट ड्राइवन बाय दिस फियर, इस फियर के थ्रू क्या होता है, द ब्रिटिश नाउ वांटेड टू सिक्योर देयर कंट्रोल ओवर द नॉर्थ वेस्ट, वो चाहते थे कि नॉर्थ वेस्ट में भी हमारा जल्दी से जल्दी कब्जा हो जाए और हम अपनी सेनाएं वहां पे लगा दें। दे फॉट अ प्रोलॉन्ग्ड वॉर, एक लंबा युद्ध करते हैं किसके साथ में, लंबा युद्ध अफगानिस्तान से होता है। देखिए अफगानिस्तान पहले जो भारत का इलाका पूरा हिंदुस्तान था ना, तो ये पाकिस्तान है, थोड़ा सा अफगानिस्तान का एरिया, ये सब कुछ हिंदुस्तान में ही आता था, ठीक है। आज हम लोग अलग हो गए हैं लेकिन ये पहले पूरा एक ही था विद अफगानिस्तान। बिटवीन द 1838 एंड 1848 और में जो है युद्ध होता है अफगानिस्तान के साथ, एंड 1842 इस्टेब्लिश एंड डायरेक्ट कंपनी रूल, वहाँ पर एक कंपनी रूल स्थापित हो जाती है, हालांकि इनडायरेक्ट ही होती है। सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843, याद रखिएगा सिंध क्या है, पाकिस्तान में आज सिंध, लेकिन पहले उस समय हिंदुस्तान का इलाका था। तो सिंध को भी इन्होंने जीत लिया कब, 1843 में। अब अगली लाइन में क्या बचा भाई, देखिए इधर अफगानिस्तान जीता, देखिए क्रम से लगा हुआ है सब ऐसे, इधर सबसे पहले क्या है अफगानिस्तान है, फिर उसके बाद सिंध है, अब इधर पंजाब है, इस तरह क्रम से लगा हुआ है ना पूरा लाइन से, तो इसीलिए कहा गया सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843। नेक्स्ट लाइन वॉज द पंजाब, पंजाब था, लेकिन पंजाब में उनको एक समस्या थी क्या, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रणजीत सिंह हेल्ड बैक द कंपनी, चूँकि पंजाब में क्या थे महाराजा रणजीत सिंह का शासन था उस समय, इसलिए उनकी हिम्मत नहीं पड़ी कि महाराजा रणजीत सिंह से लड़ाई के लड़ने। सोचिए अंग्रेज कितने डरपोक भी थे, है ना, इतना पावर होने के बावजूद भी महाराजा रणजीत सिंह से लड़ने की उनकी हिम्मत नहीं थी क्योंकि बहुत पावरफुल थे। वो इंतजार करते हैं और जैसे ही आफ्टर हिज डेथ 1839, जैसे ही महाराजा रणजीत सिंह की मृत्यु होती है 1839 में, टू प्रोलॉन्ग एक लंबा, दो बड़े बड़े युद्ध होते हैं, वर फॉट विद सिख, सिखों के साथ युद्ध होते हैं, और लास्ट में अल्टीमेटली होता क्या है 1849 में पंजाब भी हड़प लिया जाता है। तो पूछा जाता है पंजाब को कब हड़पा गया था, तो 1849 में पंजाब भी अंग्रेजों के कब्जे में आ जाता है। याद रखिएगा ये बहुत इंपॉर्टेंट एरिया है, मराठा को कब पूरी तरह से कब्जे में लिया गया, मैसूर पूरी तरह से कब अंग्रेजों ने जीत लिया, यानी पहला वॉर कब हुआ, लास्ट वॉर, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बीच की डेट आप भूल भी जाइए तो थोड़ा सा कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन फर्स्ट और लास्ट ये भी पूछे जाते हैं, है ना। कंटिन्यू थ्री वॉर की कौन कौन सी हुए थे, ट्रीटी किसकी, जितनी बुक में ट्रीटी दी है आप पहले उनको ही लर्न कर लीजिए, बाकी जो ट्रीटी आपकी मिस हो रही है, नहीं आपको याद है, है ना, आपका सेवन्थ का नोट्स कहीं मिस हो गया है कुछ भी, तो उसको छोड़ दीजिए, जो भी बुक्स में अब आपकी एट्थ बुक में जितनी भी ट्रीटी दे रही हैं आप उनको रिवाइज करते जाइए, ओके। दैट विल बी इंपॉर्टेंट फॉर यू इन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, एंड ऑल्सो इफ द क्वेश्चन कम इन द लॉन्ग आंसर दैट विल बी फॉर इंपॉर्टेंट फॉर यू, ओके। डू नॉट डिपेंडेंट ओनली ऑन द मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एंड फॉर द एग्जाम, हम केवल एग्जाम बस की तैयारी नहीं कर रहे हैं, राइट, हम लोग एक प्रिपरेशन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं हिस्ट्री की। नेक्स्ट स्टडी है डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, इसको थोड़ा देखते हैं क्या है। डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स देखते हैं क्या, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स का मतलब, डॉक्ट्रिन मतलब क्या होता है, एक सिद्धांत होता है, लैप्स मतलब आप समझेंगे कि मतलब उसको एक, अभी जस्ट उसको हम समझते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स क्या है, इसमें होता क्या था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स में, इसमें ये कहा जाता है कि कोई भी राजा है और उस राजा का जो उसका पुत्र है, उसका अपना पुत्र है, मतलब सगा पुत्र है, उसका अपना वारिस है, तो अगर वो वारिस है तब तो कोई बात नहीं है, लेकिन अगर किसी राजा के पुत्र नहीं हो रहे हैं या उनके वारिस नहीं हैं, ठीक है, तो वो जो सत्ता है, वो जो कब्जा किया है, मतलब जो राजा का शासन है उस क्षेत्र पर, उस टेरिटरी पर, वो हमारा हो जाएगा। अब देखिए ये कोई मतलब एक तरह से एक फर्जी रूल भी कह सकते हैं, इट इज़ नॉट एक्सेप्टेबल बट इट वाज अप्लाइड, है ना, इट वाज अप्लाइड एंड बाई लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी इन द मेन फैक्टर, है ना, टू इम्प्लीमेंट ऑफ डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, यानी लॉन्च भी इन्होंने किया था, इम्प्लीमेंट भी इन्होंने किया था डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स के थ्रू। डलहौजी का नाम आता है, किसका नाम आता है, लॉर्ड डलहौजी का, ये नियम बनाया था लॉर्ड डलहौजी ने, ठीक है ना। अब इसको इसमें देख लेते हैं कि क्या है ये, द फाइनल वेव एनेक्सेशन अकर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड डलहौजी के द्वारा ये एनेक्सेशन मतलब क्या है, हड़प नीति लॉन्च की गई थी कि मतलब बस जल्दी जल्दी हमारे क्षेत्र सारे कब्जे हो जाएं, नए नए नियम लगाते थे, ये भी देखिए पैरामाउंट वाला नियम लगाया हेस्टिंग्स ने, है ना, कि हम सुप्रीम हैं, हम पावरफुल हैं, आप लोग अपना राज छोड़ दीजिए, उसी रानी चन्नम्मा से उनका युद्ध होता है किट्टूर की तरफ, वो कब्जा कर लेते हैं, है ना, और इस तरह से देखिए अब ये नई पॉलिसी जागी, यानी कि आपने ये देखा इस पूरे वीडियोज़ में, आप पूरे इस चैप्टर में आप ये देख रहे हैं कि अंग्रेज़ों को एन किन प्रकार, यानी किसी भी टाइप से, यानी कहीं से भी उनको टेरिटरी पर फोकस कर रहे हैं वो, यानी वो ज़्यादा से ज़्यादा अपने राज्यों को जीतना चाहते हैं। यहाँ पे जितने टुकड़ों में राजा कहीं ना कहीं राज्य कर रहे हैं, शासन कर रहे हैं, उनको तुरंत हरा के पूरे भारत पर उनका कब्जा हो जाए, ठीक है, वो इस चीज़ में प्रयास में लगे हुए हैं। तो इसी क्रम में डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स एक पॉलिसी भी आती है इनकी, द फाइनल वेव ऑफ एनेक्सेशन अकर्ड अंडर द लॉर्ड डलहौजी हु वॉज द गवर्नर जनरल ऑफ 1848 टू 1856, ये डेट लर्न कर लीजिएगा, इस समय तक उनका शासन रहा।
ही डिवाइज्ड अ पॉलिसी, उसने एक पॉलिसी बनाई, कौन सी पॉलिसी बनाई, दैट केम टू बी नॉन एज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स। याद रखिएगा डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स किसने बनाया था, बहुत एग्जाम में पूछी जाती है। द डॉक्ट्रिन डिक्लेयर, डॉक्ट्रिन का मतलब क्या था, ये सिद्धांत था, क्या सिद्धांत था, दैट इफ एनी इंडियन रूलर, अगर कोई भारतीय रूलर है डाइड, है ना, अगर मर जाता है विदाउट अ मेल हियर हिज किंगडम, बिना उसका वारिस अगर नहीं है, है ना, और उसकी डेथ हो गई है, तो फिर लैप्स, तो वो राज्य क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इसी को डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स कह रहे थे, यानी कि एक ऐसा सिद्धांत जिससे अपने आप वो राज्य किसके अंडर में आ जाएगा, इनकी गोद में आ जाएगा। ठीक है, किसकी गोद में भाई, अंग्रेजों की गोद में, ठीक है ना, अंग्रेजों के पाले में आ जाएगा। दैट इज़ बिकम अ पार्ट ऑफ अ कंपनी टेरिटरी, वन द किंगडम आफ्टर बिकम पार्ट ऑफ अ कंपनी टेरिटरी, वो कंपनी टेरिटरी का पार्ट हो जाएगा। वन किंगडम आफ्टर, इसका एग्जाम्पल देखते हैं, एक ऐसा राज्य है आफ्टर द अनदर वॉज एनेक्स्ड सिंपली बाय द अप्लाइंग द डॉक्ट्रिन, कौन कौन से राज्य ऐसे हैं जिनको डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स लिया गया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, पीसीएस के एग्जाम में या बड़े बड़े एग्जामों में पूछा जाता है ये कि डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स से जो लैप हुए राज्य हैं वो कौन कौन से हैं। तो याद रख लीजिए पहला आप सतारा ही है, सतारा 1848 में। अब आपको ये सबको पता करना है कि सतारा कहाँ है, संबलपुर कहाँ है, उदयपुर कहाँ है, नागपुर कहाँ है, झांसी कहाँ है, ये सब आपको नेट से या कहीं से भी आप उसको सर्च करके इसके साइड में अपनी बुक में नोट कर लेंगे, ठीक है ना, सतारा कहाँ पर पड़ता है, सतारा, ठीक है, याद आना चाहिए सतारा कहाँ पे है, महाराष्ट्र, याद रखिए, संबलपुर, ठीक है, संबलपुर, उदयपुर, नागपुर एंड झांसी, झांसी तो आपने पढ़ा ही है, झांसी रानी लक्ष्मीबाई, है ना, रानी लक्ष्मीबाई का जो युद्ध होता है इसी पॉलिसी के अंगेंस्ट में होता है, ये जो पॉलिसी बनी थी ना इसी पॉलिसी से रानी लक्ष्मीबाई नाराज हो गई थी, ठीक है ना, और उन्होंने यहाँ तक कि उनसे युद्ध भी किया था, ठीक है ना, और अंग्रेज़ों को मज़ा भी चखाया था बहुत तगड़ा, ठीक है, वो हैरान हो गए थे कि ऐसी भी कोई महारानी, ऐसी भी कोई रानी होती है क्या भारत में कि इतना मतलब एक योद्धाओं की तरह लड़ती है ना, उनको पता नहीं था कि इतनी पावरफुल है वो, ठीक है। तो इनका सतारा पहला है और लास्ट देखिए झांसी है, इस तरह से झांसी आपको पता ही है, झांसी कहाँ पे है ना, यूपी में, रानी लक्ष्मीबाई का नाम आपने सुना ही होगा, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, है ना। तो इस तरह से उन्होंने इतने सारे जो मैंने आपको टेरिटरी बताया, इतने सारे स्टेट जो है, इतने सारे राज्य जो है, क्षेत्र टेरिटरी जो है, उन्होंने केवल एक पॉलिसी से, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स नाम की पॉलिसी से, बिना मेहनत के यानी बिना युद्ध किए, बिना कुछ किए, अपने आप एक नियम रूल बना दिया और अपने आप उनके राज्य में, ब्रिटिश किंगडम में मिल गया वो। फाइनली इन द 1856 कंपनी आल्सो टुक ओवर अवध, उन्होंने अवध पर भी कब्जा कर लिया। अवध समझ में आ रहा है ना, अवध कौन सा एरिया है, यानी उत्तर प्रदेश का जो इलाका है अवध। दिस टाइम द ब्रिटिश हैड एन आर्गूमेंट, ब्रिटिश ने आर्गूमेंट क्या दिया, कहा कि दे सेड दैट दे वर ऑब्लाइज्ड बाय द ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री अ पीपल फ्रॉम द मिस गवर्नमेंट ऑफ द नवाब, यानी अवध का जो नवाब था उसके ऊपर मिस गवर्नमेंट का आरोप लगाया गया कि भाई ये अपनी जनता को खुश नहीं कर पा रहे हैं, इनको शासन चलाने का ज्ञान नहीं है, ये हमेशा चित्रकारी में ही, उस समय कोई पेंटर थे उस समय वजह ले साथ, तो ये पेंटर पेंटिंग में ही बिजी रहते हैं, है ना, इनके राज्य में कोई प्रोडक्शन अच्छा नहीं हो रहा है, ये सब कुछ वो उनके ऊपर आरोप लगाते हैं। एंड इनरेस्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग, और उनको अपमानित करते हुए, है ना, इनरेस्ड बाय द ह्यूमिलेटिंग वे, एक अपमानित तरीके से, इन विच द नवाब वॉज डिपोज, नवाब को इस तरह से अपमानित करते हुए उस नवाब को डिपोज कर देते हैं, यानी उसके गद्दी से उसको उतार देते हैं। द पीपल ऑफ अवध, जो अवध के जो लोग हैं, ज्वाइंट द ग्रेट रिवोल्ट, और यही बात आप ध्यान दीजिएगा, अवध के यही लोग कि हमारे राजा को जो पूर्व इतना, भाई राजा बहुत अच्छा था वो, ठीक है ना, वाजिद अली साहब बहुत अच्छा था, लोगों को सम्मान देता था, आर्ट को इंपॉर्टेंस देता था, ठीक है ना, बहुत अच्छा राजा था, लेकिन उसके बाद उसको मिस गवर्नमेंट का कि अच्छे से शासन नहीं चला पा रहा, ये आरोप लगाकर उसको हटा दिया जाता है। तो यही सारे लोग जो अवध के लोग होते हैं नाराज होते हैं, एंड ग्रेट रिवोल्ट, और पार्टिसिपेट क्या करते हैं, ग्रेट रिवोल्ट ब्रोक आउट 1857, यानी 1857 का जो रिवोल्ट अभी हम आगे पढ़ेंगे, ठीक है ना, चैप्टर 5 में, तो उसमें हम देखेंगे कि 1857 का रिवोल्ट कितना भयानक था, और उसमें अवध के लोगों का सबसे बड़ा रोल था, ठीक है ना, ये लोग जाकर उसमें सम्मिलित हो जाते हैं कहते, ठीक है, उसको वहीं देखेंगे, याद रखिएगा ये पॉइंट। अब देखिए ये देखिए आप, ये फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए समझने के लिए, ठीक है, आप नीचे ये देख रहे हैं, जहाँ दिया है येलो कलर से, एरियाज अंडर ब्रिटिश रूल, यानी देखिए यहाँ पर ब्रिटिश रूल था, पहले बंगाल के आसपास देखे ना आपने, ये इधर बंगाल में, बनारस में, फिर इधर हैदराबाद में थोड़ा था, मद्रास में आपने देखा, इधर मद्रास में कौन आया था, लॉर्ड क्लाइव, है ना, रॉबर्ट क्लाइव, तभी तो यहाँ से गया था ना, इधर से होते हुए किधर गया था, बताइए, बंगाल में गया था, ठीक है ना, सिराजुद्दौला से लड़ने के लिए। देखिए शुरुआत में इतना ही कब्जा था, धीरे धीरे देखिए आप सेकंड फिगर में देखिए, ये बात कब की है, 1797 की, और ये है बात 1840 की। देखिए 1840 के आते आते देखिए येलो कलर बहुत बढ़ गया है, यानी यहाँ भारत का अंग्रेज़ों का कब्जा हो गया था, ठीक है,
अब देखिएगा अगला, ये देखिए 1857 आते आते 1857 का रिवॉल्ट क्यों हुआ, विद्रोह इतना बड़ा पूरे भारत में सभी लोगों ने विद्रोह क्यों किया, उसका रीज़न ये था कि देखिए अंग्रेज किस तरह से, 1857 डेट है ना, ये देखिए यहाँ पर कब्जा कर लिया लाहौर, ये पूरा एक ही था हमारा एरिया, लाहौर सिंध दिल्ली है ना, लखनऊ बनारस कलकत्ता है ना, ये सारा एरिया मैसूर, ये पूना, ये गोवा सब कुछ उनके अंडर में आ गया था। और ये जो रेड कलर से है ना, जो थोड़ा थोड़ा जहाँ पर कब्जा नहीं किया था, यहाँ पर भी कब्जा ही समझिए, यानी जो कहते थे वही होता था। ये देखिए एक्सपेंशन ऑफ क्या है, एक्सपेंशन ऑफ टेरिटोरियल पावर इन इंडिया, इस तरह से उन्होंने किया था। सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन, अब बात करते हैं सेटिंग अप न्यू एडमिनिस्ट्रेशन की, कि किस तरह से उन्होंने अपना एडमिनिस्ट्रेशन, भाई उनका पूरा राज्य तो लगभग लगभग फैल गया था, ठीक है, तो अब वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाएंगे ना, अपने तरीके से अब शासन करेंगे, क्योंकि लगभग लगभग पूरे भारत पर उनका कब्जा हो गया था, कुछ ही पार्ट बचे हुए थे, तो अब वो अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाना चाहते हैं, ठीक है। तो अपना एडमिनिस्ट्रेशन लाने के लिए उन्होंने देखिए क्या किया, सेटिंग अपने एडमिनिस्ट्रेशन, वॉरन हेस्टिंग्स का नाम आता है इसमें सबसे पहले। वॉरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785, यानी वॉरन हेस्टिंग्स सबसे पहले गवर्नर जनरल थे 1773 में 1785। अब इसमें हम जब एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ रहे हैं ना, तो शुरू से एडमिनिस्ट्रेशन पढ़ेंगे, जो जो गवर्नर जनरल आए, फिर उनके बाद कौन गवर्नर जनरल आए, उन्होंने कौन सा एडमिनिस्ट्रेशन लाया, बीच बीच में जो युद्ध होते रहे वो तो ठीक है, वो तो चलता ही रहा साथ में, लेकिन बीच बीच में अपना एडमिनिस्ट्रेशन भी तो ला रहे थे ना, तो उसको हम लोग इस पैराग्राफ में सारा कुछ पढ़ेंगे, किस तरह से एडमिनिस्ट्रेशन इनका चला है, ये सबसे पहले क्या लाए, फिर उसके बाद क्या लाए, ठीक है, ये चीज़ें हम लोग यहाँ पढ़ेंगे। देखेंगे वॉरन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल फ्रॉम 1773 to 1785 तक इनका शासन था, वो वॉज वन ऑफ द मैनी इंपॉर्टेंट फिगर्स, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर रखते हैं। क्या किया इन्होंने, हु प्लेड अ सिग्निफिकेंट रोल इन एक्सपेंशन ऑफ कंपनी, कंपनी पावर में इन्होंने एक्सपेंशन में बहुत बड़ा रोल किया, एक्सपेंशन मतलब विस्तार में। बाय इस टाइम उनके समय पर क्या हुआ, कंपनी हैड एक्वायर्ड पावर, पावर तो गेट कर लिया था, नॉट ओनली बंगाल, बंगाल में ही नहीं बट आल्सो द बॉम्बे एंड मद्रास, यानी गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स के टाइम पर ही उनको बंगाल बॉम्बे और मद्रास में पावर हो गया था। ब्रिटिश टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव टेरिटरीज वर ब्रॉडली डिवाइडेड इंटू एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स कॉल प्रेसिडेंसी। अब देखिए क्या कर क्या रहे हैं कि जो बंगाल है, मद्रास है, ठीक है, बॉम्बे है, ये थ्री जो टेरिटरी थी इनको इन्होंने प्रेसिडेंसी बना लिया, क्या बना लिया, प्रेसिडेंसी, प्रेसिडेंसी बना लिया, ठीक है। प्रेसिडेंसी का मतलब उनका अपने एक तरीका है कंट्रोल करने का, चाहते तो प्रेसिडेंसी नहीं बनाते, लेकिन उनको उन्होंने उनका तरीका है कि हमारी प्रेसिडेंसीज हैं, ठीक है, उनका नया कि हमारी थ्री प्रेसिडेंसीज, मुख्य प्रेसिडेंसीज, जैसे आज आपके फोर पिलर कौन से हैं, दिल्ली है, मुंबई है ना, कोलकाता है और चेन्नई, इस तरह से आपके फोर पिलर है ना, इस तरह से इन्होंने थ्री प्रेसिडेंसीज इधर बनाई थी। देयर वर थ्री प्रेसिडेंसीज, बंगाल, मद्रास एंड बॉम्बे, इन्हीं के नाम पर प्रेसिडेंसी बना ली थी कि बंगाल, मद्रास, बॉम्बे, अभी टेरिटरी नहीं है कोई, इंडियन टेरिटरी नहीं, ये हमारी प्रेसिडेंसी है। ईच वॉज रूल्ड बाय द गवर्नर, और कहा कि हर जगह एक एक गवर्नर होगा, यानी यहाँ भी एक गवर्नर, यहाँ भी एक गवर्नर, यहाँ गवर्नर, और इन सभी गवर्नर के ऊपर कौन होगा, गवर्नर जनरल होगा, ठीक है, यानी इनके यहाँ भी गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर, यहाँ भी गवर्नर, और इनके ऊपर कौन होगा, गवर्नर जनरल, जैसे औरंगजेब ने बनाया था ना पूरे भारत में, एक एक सूबेदार बना दिए थे, और उनके ऊपर कौन था, औरंगजेब था, ठीक है, इसी तरह से इन्होंने भी एक सिस्टम किया, ऐसा ही तो किया जाता है कंट्रोल करने के लिए, ठीक है। लेकिन ईच वॉज रूल्ड बाय गवर्नर, द सुप्रीम हेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन वॉज ए गवर्नर जनरल, याद रखिएगा सुप्रीम हेड थे वो। वॉरन हेस्टिंग्स द फर्स्ट गवर्नर जनरल, याद रखिएगा, तो फर्स्ट गवर्नर जनरल मैंने बताया था आपको कौन है, गवर्नर जनरल वॉरन हेस्टिंग्स इंट्रोड्यूस द सेवरल एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स नोटेबली इन द स्फीयर ऑफ जस्टिस, उन्होंने जस्टिस भी, जस्टिस लाने का सबसे ज़्यादा उनको नोटिस किया था कि जस्टिस कैसे लाते हैं वो, देखेंगे जस्टिस कैसे लाते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ है, मैं आपके लिए पढ़ने जा रहा हूँ, ठीक है ना, ध्यान से देखिएगा। फ्रॉम 1772 ए न्यू सिस्टम ऑफ जस्टिस, न्याय का एक सबसे अच्छा सिस्टम ये आया, क्या स्टेब्लिश किया गया, ईच डिस्ट्रिक्ट वॉज टू हैव टू कोर्ट्स, यानी टू कोर्ट्स, यानी कहा गया कि प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट में कितने कोर्ट होंगे, टू कोर्ट होंगे, पहला कोर्ट क्या होगा, क्रिमिनल कोर्ट, और दूसरा कोर्ट क्या होगा, सिविल कोर्ट, और आज भी भारत में ये टू कोर्ट हैं, ठीक है ना, सबसे अच्छी बात तो ये है कि आज भी भारत में टू कोर्ट हैं, जो आप आपको अगर जाना हो, देखना हो, तो आप जाके वहाँ पर दे सकते हैं, ठीक है, अपनी सिटी में जहाँ पर भी क्रिमिनल कोर्ट, तो पहला क्रिमिनल कोर्ट है जिसको हम लोग फौजदारी अदालत कहते हैं। फौजदारी अदालत में क्या होता था भाई, फौजदारी अदालत में वो होता था कि जैसे कोई लड़ाई झगड़ा कर लिया है, मार पिटाई कर लिया, खून खराबा कर लिया ना, मर्डर कर दिया, तो ऐसे जो मसले होते थे फौजदारी अदालत में सुने जाते थे। और ये जो अदालत होता था दीवानी अदालत, इस अदालत में क्या होता था, जैसे किसी ने किसी की ज़मीन का मुद्दा है, ठीक है ना, किसी ने किसी का ज़मीन हड़प लिया है ना, किसी का कोई ऐसा विवाद हो गया, तो वो दीवानी अदालत में आके सॉल्व होता था। इसके अलावा जो मौलवी थे, ठीक है ना, इसके अलावा जो मौलवी थे, मौलवी एंड हिंदूज पंडित, मौलवी और जो हिंदू पंडित थे, इंटरप्रिटेड इंडियन लॉ, इंडियन लॉ यानी भारतीय नियम के कानून पर इंटरप्रिटेट कर सकते थे, करते थे।
फॉर द यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर, यूरोपियन डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर्स को करते थे, हु प्रिसाइडेड, और बाद में उसको प्रिसाइड किया जाता था ओवर सिविल कोर्ट, सिविल कोर्ट्स के द्वारा। द क्रिमिनल कोर्ट्स वर स्टिल, क्रिमिनल कोर्ट्स जो थे वर स्टिल अंडर द काजी एंड मुफ्ती। जो क्रिमिनल कोर्ट थे यानी फौजदारी अदालत थी वो अभी भी काजी और मुफ्ती के अंडर में रखी गई थी, ठीक है ना, ये अच्छी बात थी। लेकिन आगे क्या किया, अंडर द सुपरविजन ऑफ द कलेक्टर, लेकिन सुपरविजन के लिए किसको लगा दिया, कलेक्टर को लगा दिया यानी अपने आदमी को लगा दिया, यानी छोटे छोटे पॉइंट पर तो भारतीयों को रखा लेकिन उसके ऊपर कंट्रोल, लास्ट जो पावर थी, लास्ट जो डिसीजन था वो किनका होगा, कलेक्टर्स का होगा, ठीक है। ये देखिए इसमें दिया हुआ साइड में, मुफ्ती से पढ़ लीजिएगा आप, ठीक है, यहाँ पे दिया हुआ। काजी क्या होता था, काजी प्रकार के जज होता था, मुफ्ती क्या होते थे, एक जुरिस्ट है ना, ऐसा मुस्लिम कम्युनिटी का जुरिस्ट होता था जो रिस्पॉन्सिबल होता था एक्सपाउंडिंग द लॉ दैट काजी वुड एडमिनिस्टर, यानी ऐसा लॉ जो लास्ट में काजी उसको एडमिनिस्टर करता था। इंपीचमेंट क्या होता है ये भी सब समझ लीजिएगा, इंपीचमेंट क्या होता है, ट्रायल बाई हाउस ऑफ लॉर्ड्स इंग्लैंड एंड चार्ल्स बाई मिसकंडक्ट ब्रॉट अगेंस्ट अ पर्सन इन द हाउस ऑफ कॉमन्स, यानी इंग्लैंड में अगर किसी व्यक्ति को, पर्सन को हटाना था तो उसको इंपीचमेंट के थ्रू हटाया जाता था, इसको हिंदी में महाभियोग कहते हैं, ठीक है। ऐसे डायरेक्टली किसी को नहीं हटाते थे उसको, उसके लिए उसको पहले प्रस्ताव लाते थे और उस प्रस्ताव के बाद उसको हटा दिया जाता था, ठीक है। तो ठीक है, आज का वीडियो भी इतना रखते हैं, नेक्स्ट वीडियो हम लोग भी जस्ट थोड़ा सा ही बचा हुआ है, लास्ट हेडिंग कौन सी है, हाँ तो कंपनी आर्मी हेडिंग है, ठीक है, पढ़ सकते हैं आप लोग। चलिए इसको भी कंप्लीट करा देते हैं, छोटा सा वीडियो ला के, ओके थैंक यू। और जितना भी मैं कराता जा रहा हूँ आप उसको प्लीज़ उसको बार बार, एक बार नहीं दो बार नहीं, आपके पास तो बढ़िया रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप लोग उसको एक बार नहीं दो बार नहीं कई बार उसको देखिए और समझने की कोशिश करिए, इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट जहाँ पर उसको अंडरलाइन करिए, क्योंकि यहीं से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी बनेंगे और अगर लॉन्ग आंसर बनते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा कि आपको सारे पॉइंट्स लर्न रहेंगे, ठीक है ना। प्रत्येक गवर्नर जनरल के बारे में लर्न करिए, कौन से गवर्नर जनरल किस किस हमारे किस एरिया पर कहाँ इंपॉर्टेंट हो रहा है, ये मैसूर में किस गवर्नर जनरल का नाम ज़्यादा आ रहा है, मराठा में किस गवर्नर जनरल का नाम आ रहा है, यानी कि महाराष्ट्र में जब जाते हैं तो वहाँ पर कौन से गवर्नर जनरल हैं, कौन सी नई पॉलिसी किस गवर्नर जनरल के द्वारा लाई गई, ये इंपॉर्टेंट हो रही है हमारे लिए, ठीक है ना। यही आगे चल के एग्जाम में पूछी जाती हैं, आपके एग्जाम में भी और आगे के एग्जाम में भी पूछी जाती है ना, इट इज अ पार्ट ऑफ अ जीके क्वेश्चंस। चलिए थैंक यू।